नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आप सभी का सक्सेस प्लेस ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए उसराहा पुल। देखिए उसराहा पुल चालू हो, पहले से टू व्हीलर वाहन हमारा इस पर चल रहा था, अब फोर व्हीलर वाहन के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो जिस दिन स्टार्ट किया गया, जो नीतीश कुमार है आके यहाँ पर उद्घाटन किया, हम उस दिन नहीं आए थे। तो आज ये खुशखबरी हम आपको देने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें फोर व्हीलर वाहन अब दौड़ रहा है। तो ये बहुत ही बहुत गुड न्यूज है कोसी क्षेत्र वासियों के लिए। जो हमारा खगड़िया है, जो सहरसा है और मधेपुरा, उस क्षेत्र के जो जनता है उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये हमारा उसराहा पुल चालू हो चुका है। जिस दिन ये स्टार्ट हुआ, उद्घाटन के दिन हम नहीं आ पाए थे, तो आज आपको ये हम बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिए पूरा ये किस तरह से इसमें फोर व्हीलर जो है अब दौड़ रहा है। तो आइए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं किस तरह से फोर व्हीलर हमारा उसराहा पुल पे जा रहा है। तो अब ये जो हमारा खगड़िया है, जो सहरसा है, बेगूसराय है और इधर मधेपुरा है, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये जो कोसी पार कर जाना पड़ता था, तो आप फोर व्हीलर वाहन से, अपने जो फोर व्हीलर वाहन है उसके द्वारा भी आप जा सकते हैं, जो खगड़िया से सहरसा है या मधेपुरा है, या मधेपुरा से आप सहरसा से होते हुए आप खगड़िया, इधर भागलपुर और बेगूसराय की ओर जा सकते। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कोसी वासियों के लिए। तो इस वीडियो में यही खुशखबरी देना था कि उसराहा पुल जो है हमारा चालू हो चुका है। तो आप सोनबरसा घाट डुमरी होते हुए उसराहा पुल से, मतलब डुमरी पुल से जो हमारा है, इससे होते हुए जो बीपी मंडल सेतु है, इसे बीपी मंडल सेतु के नाम से भी जानते हैं, इससे होते हुए आप खगड़िया से सहरसा और सहरसा से मधेपुरा जा सकते हैं, और मधेपुरा से इसे उसराहा पुल डुमरी जो बीपी मंडल सेतु है, इसे होते हुए खगड़िया आ सकते हैं, और खगड़िया से बेगूसराय जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अपने फोर व्हीलर से आप इस एनएच जो 107 है, इसे होते हुए एनएच 31 पे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।